मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी अनफुसना व मिन सय्यात अमालना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदिल्लहु फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو اللہ جل جلاله وعمن وله وعز اسمه وعظم برهانه وجل شانه ہم سب پر जहाँ बहुत सारे एहसान फरमाए हैं वही उन एहसान में एक बहुत बड़ा आज़िम शान एहसान ये फरमाया कि हम सबको आकाए नामदार ताजदार मदीना काली कमली वाले आमना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे ख़ादमुन नबीयीन वल मुरसलीन शाफ़िउश शुफ़ाअ यौमल जज़ा साहिबुल खैर कुल्लिही امام الورى صاحب الاعراج والمعراج تاجدار النبوت ختم الرسل امام الانبیاء سرور دو جہاں سرور کونین مالک حوض کوثر ہم سب کے آقا نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا आप अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर की उम्मत में हम सब को अल्लाह ने पैदा करके इतना बड़ा एहसान किया इतना बड़ा एहसान अता फरमाया कि अगर इसके शुक्राने में सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख कर के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान अता फरमाया इतनी बड़ी मेहरबानी अता फरमाई लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला ने एहसास क्यों दिया अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं ईमान क्यों दिया कुरान क्यों दिया मुसलमान क्यों बनाया हुजूर की उम्मत ने क्यों पैदा किया आसम जैसा आसिम शान नबी क्यों दिया हम जैसे चाहें वैसे जिंदगी गुजारने के लिए मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ जैसा चाहूँ वैसा कमाऊँ जैसा चाहूँ वैसा खाऊँ नहीं अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है आसम जैसे नबी अता फरमाए हैं कुरान जैसे अज़ीम शान किताब अता फरमाई है इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार कर क्या अल्लाह ताला क्या करेंगे हाँ अल्लाह ताला वो कामयाबी अता फरमाएंगे जिस कामयाबी के बाद कोई नाकामी नहीं। आज हम लोग को धोखा लगा हुआ है कि दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझते हैं दुनिया का बहुत सारा माल मिल जाना कामयाबी समझते हैं ना दुनिया का बहुत माल मिल गया और आखिरत नहीं दीन नहीं तो ये कायनात का सबसे ज्यादा खसारे वाला इंसान है और दुनिया का बहुत माल नहीं मिला लेकिन दीन है दीन की मेहनत है आसम की प्यारी सुन्नत जिंदगी के अंदर है ये दुनिया आखिरत का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। देखिए हम लोग दुनिया को बहुत ज्यादा अगर जमा हो जाए तो उसको कामयाबी समझते हैं एक वाकई से अंदाजा लगाओ कि दुनिया का जमा हो जाना कामयाबी नहीं है। एक शख्स था और वो गुनहगार था बदनाम जमाना था लोग जानते थे कि अच्छा नहीं लेकिन इतना ज्यादा बुरा है लोगों को तसव्वुर नहीं था क्या उसने किया एक दफे उस बदबख्त ने यह किया के कब्रस्तान में जा करके रात में एक कबर खोदा उसे पता था कि इस कबर में कौन दफन है एक दिन की कबर थी और रात में जा करके खोद करके
उस कब्र में खूबसूरत नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ था, उसे दफन किया गया था, वो कब्र खोद करके उससे जिना किया, मुर्दा औरत से। अंदाजा लगाएं कितना बदबख्त कायनात इंसान हो, कितना बड़ा गुनहगार हो। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वक्त के बादशाह के ख्वाब में एक नेक आदमी आकर के कह रहे हैं कि इसे अपना वजीर खास बना लो। अब वो वजीर, वो बादशाह परेशान कि तो बदबख्त इंसान है ये, गुनहगार है, और उसे कहा जाए कि वजीर खास बनाओ। बादशाह समझा कि शायद मेरा ख्वाब कुछ उसे नजरअंदाज किया। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब आया, तीसरे दिन फिर वही ख्वाब आया कि एक नेक आदमी आकर के ख्वाब में कह रहे हैं कि फला शख्स को अपना वजीर खास बनाओ। अब बादशाह परेशान है कि वो आदमी अच्छा नहीं है और गुनहगार है, और उसके बाद तीन दिन तक कहा जा रहा है कि उसे वजीर खास बनाओ। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह जाने मैं वजीर खास बना लेता हूँ, तीन दिन हो गया ख्वाब आ रहा है, अल्लाह वाले अल्लाह क्या बेहतर जानते हैं। उसने वजीर खास बनाया, वजीर खास बना लेने के बाद भी बादशाह के दिल में खटक थी कि आदमी तो अच्छा नहीं है। अच्छा, भी बादशाह के ऊपर गुनाह नहीं खुला उसका कि इसने मुर्दा औरत से जिना किया, अभी बादशाह को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना था कि ये गुनहगार। तो बादशाह के दिल में खटक थी, परेशान था कि क्या बात हुई कि इसको वजीर खास बनाने के लिए कहा गया। काफी दिन गुजरने के बाद जब बादशाह मुसलसल फिक्रमंद था तो बुजुर्ग वापस उसके ख्वाब में आए और आकर के बादशाह के ख्वाब में आकर के कह रहे हैं कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि ये शख्स जिसको वजीर खास बनाने के लिए कहा गया कोई नेक आदमी नहीं है, वाकई गुनहगार है, और आप जितना गुनहगार समझ रहे हैं उससे ज्यादा गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ने वजीर खास क्यों बनवाया कि इसने एक इतना बड़ा गुनाह किया है कि कब्र खोद करके एक बेगुनाह मासूम नौजवान औरत से जिना किया है, इतना बड़ा गुनाह। ये अल्लाह इतने नाराज है, इतने नाराज है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये तौबा करके मेरे बारगाह में आए। अभी चूंकि हालात में है वो, और आदमी जब हालात में घिरता है तो सब जगह से मार कट करके आखिर में उसको एक ही दर मिलता है, अल्लाह का। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये हालात में है कहीं सब तरफ से मार खा के आकर के तौबा ना कर ले। अल्लाह चाहते हैं कि इसी गुनाह के साथ मेरी बारगाह में आए ताकि मैं इसको उसकी सजा चुकाऊं, इसलिए मैंने चाहा कि ये वजीर खास बन जाए। जब तायुश के नक्शे में आ जाएगा, दुनिया इसके पास आ जाएगी, तो ये तौबा भूल जाएगा, अल्लाह को भूल जाए, और तायुश के नक्शे में दुनिया के फरावानी में और ज्यादा गुनाह कर बैठेगा। फिर जब मेरे पास आएगा तो इसमें और सख्त आजाब दूंगा। अंदाजा लगाए कि दुनिया का मिलना मुसीबत है या राहत है। अल्लाह ताला उसे दुनिया दे रहे हैं क्यों, फांसने के लिए, ताकि तौबा ना करे। तो दुनिया का बहुत मिल जाना ये कामयाबी की अलामत नहीं है ना, ये हो सकता है कि दुनिया बहुत मिल गई बेदीनी के साथ, गुनाह के साथ, ये मुसीबत हो। हाँ, दुनिया कमाना बुरा भी नहीं है, मालदार बनना बुरा भी नहीं है, लेकिन आदमी मालदार हो तो दीन के साथ, आदमी गरीब हो तो दीन के साथ, आदमी मुतवस्सित हो तो दीन के साथ, आदमी सेहतमंद हो तो दीन के साथ, आदमी बीमार हो तो दीन के साथ, ये कामयाब होगा। दीन जिंदगी के अंदर होगा। अब चाहे जिस नक्शे में रहो, मालदारी के नक्शे में रहो, गुर्बत के नक्शे में रहो, खुशहाली के नक्शे में रहो, बीमारी के नक्शे में रहो, सेहत के नक्शे में रहो, शहर में रहो, देहात में रहो, खेती में रहो, हर जगह अल्लाह कामयाब करके रहेंगे, अल्लाह का वादा है। लेकिन शर्त क्या है, बंदे के पास दीन होना जरूरी है, और दीन कोई मुश्किल चीज का नाम नहीं है, देखो बहुत आसान है दीन, और सारी परेशानियों का हल दीन के अंदर है, सारे मसाइल का हल दीन के अंदर है। एक सहाबी असद की खिदमत में आया, आकर के कहने लगे मेरे घर में बहुत परेशानी है, तंगी है, क्या करूं। आप असद ने क्या इलाज बताया, आप असद ने बताया भाई जब घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होते वक्त तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, सबको सलाम करो घर वालों, और एक दफे दरूद शरीफ पढ़ो, जो दरूद शरीफ याद हो, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, या अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, एक दफे दरूद शरीफ, और एक दफे सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। छोटी सी सूरह है ये, आपने तीन अमल बताए, ये तीन अमल करो। वो सहाबी जब घर में दाखिल होते, अस्सलामु अलैकुम, दरूद शरीफ, और एक मतलब सूरह इखलास, कुल अल्लाहु अहद पूरी पढ़ते। कुछ दिन गुजरे थे कि वो सहाबी का हुजूर से फिर मुलाकात हुई, तो अब सब सहाबा के अहवाल पूछते थे, अपने साथियों की फिक्र करते थे कौन किस हाल में। आसम को पता था कि इसने अपने घर की तंगी की शिकायत की थी, मुलाकात हुई, आपने फौरन पूछा। हमें भी जो बड़े हैं, जो घर के सरपरस्त हैं, जो इलाके के बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मातहतीन का हाल पूछते रहे। अगर हमें कभी किसी ने कोई तंगी बयान की, कुछ हमने हाल बताया, फिर जब मिले तो उससे पूछे कि तुम्हारा क्या हाल है। इससे आपस में जोड़ पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। हाँ, इससे टूटे हुए दिल दीन की तरफ जोड़ते हैं, खैर की तरफ आते हैं। तो आपने पूछा कि भाई तुमने बताया था तुम्हारा घर में तंगी थी, क्या हाल है। तो साहबी ने फौरन कहा, या नबी रसूल, आपने अमल बताया था, मैं जब घर में दाखिल होता हूँ सलाम पढ़ता हूँ, जब घर में दाखिल होता हूँ दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, जब घर में दाखिल होता हूँ सूरह इखलास पढ़ता हूँ। अल्लाह की फजल से घर में बहुत आफियत और बरकत हो गई, घर की तंगी महसूस ही नहीं होता कि तंगी, बहुत आफियत है। तो ये दीन है बुजुर्ग, जिंदगियों के अंदर आएगा तो खैर आएगा। एक अमल आज़ाद ने बताया, साहबी ने अमल किया, घर में राहत चैन आफियत बरकत आ। ऐसा पूरा दीन खैर का नमूना है, पूरे दीन के अंदर अल्लाह ने खैर छुपा कर रखी है, दुनिया की और आखिरत की। अब मैंने कहा अद्दीन युसरन, दीन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दीन क्या है, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें देखो कि मेरे नबी का तरीका क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, यही दीन है। कोई अलग से चीज, दीन कोई अलग से चीज का नाम नहीं है। मैं घर से निकल रहा हूं तो देखूं घर से निकलने का मेरे नबी ने क्या तरीका बताया। मैं कपड़ा पहन रहा हूं, मेरे नबी ने कपड़ा पहनने का क्या तरीका बताया, ये दीन है। मैं चप्पल पहन रहा हूं तो मेरे नबी ने चप्पल पहनने का तरीका क्या बताया कि जब चप्पल पहनो तो पहले सीधे पैर से, फिर बाद में उल्टे पैर से उतारो, पहले उल्टे पैर से बाद में सीधे पैर से, ये दीन है। और इसी में कामयाबी, ऐसा पूरा, और हर दिन के एक एक जुज में बड़ी बड़ी अल्लाह ने खैर छिपा करके रखी है। देखो खाने से पहले एक सुन्नत है, अपने दोनों हाथ को गट्टों समेत धो ले तीन दफे। तरतीब क्या, पहले दस्तरखान बिछाएं फिर हाथ धोएं। हमारा मामूल क्या है, हम हाथ धोकर के आएंगे फिर दस्तरखान बिछाएंगे, ये सुन्नत के खिलाफ है। अब सुन्नत के खिलाफ करने की वजह से अमल तो किए लेकिन गलत किए, तो सुन्नत पर जो फजाइल मिलने वाले हैं, जो बरकत मिलने वाले हैं, उससे महरूमी हो जाए। इसलिए इसको सीखना भी जरूरी है कि किस वक्त तो क्या अमल कैसे करें, और उसी को सीखने के लिए है ना ये दावत की मेहनत, जमातों का चलना फिरना, गश्त का होना, तालीम का होना, ये सारा निजाम क्यों है, ताकि उम्मत में 100% दीन उम्मत को मालूम हो। जब उम्मत को मालूम हो तब अमल करेगी। तब एक तरीका है खाने से पहले सुन्नत, आदमी पहले दोनों हाथ गट्टों समेत धोए। उलमा ने लिखा है जो आदमी मकरूज हो, चाहे जितना बड़ा कर्जा हो, जो आदमी खाने से पहले दस्तरखान बिछाने से पहले पहले क्या करे, दोनों हाथ गट्टों समेत धोए तीन दफे, इस नियत से कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। इस नियत से जो तीन दफे हाथ धोएगा, चाहे जितना बड़ा कर्जा हो, उसका कर्जा अल्लाह अदा करवा दे, एक सुन्नत। फजीलत कितनी बड़ी, ताकत कितनी बड़ी, अहमियत कितनी, कि कर्जा आदमी इतना टेंशन में होता है, मकरूज जब हो जाता है और कर्ज खा मुतालबा करते हैं, आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता, बीवी बच्चे अच्छे नहीं लगते, नींद नहीं लगती, कारोबार में जी नहीं लगता, आखिर में आदमी क्या करता, आखिर में आदमी जाता खुदकुशी कर। कितनी बड़ी मुसीबत है कर्ज, और उसको कितनी आसानी से अल्लाह ने हल किया। आप रसम के तरीके के मुताबिक आदमी तीन दफे हाथ धो ले। बुजुर्गों ने लिखा है लाखों के कर्जे हमने अपनी आंखों से इस सुन्नत की बरकत से अदा होते हुए देखे। तो ऐसे एक एक सुन्नत जान जान कर अमल करने वाले बने कि ये एक सुन्नत, चप्पल पहनने की सुन्नत बताई गई, घर में दाखिल होने की सुन्नत बताई गई। ये रबीउल अव्वल का महीना भी जो गुजरा है, ये इसीलिए साल भर में आता है, और सीरत के जलसे इसीलिए होते हैं, सीरत इसीलिए बयान की जाती है, ताकि आपकी मुबारक जिंदगी हमारी जिंदगी के अंदर आए। और मुश्किल नहीं है, करते हम सब कुछ हैं, ये तो पता नहीं है सुन्नत ये है,
ये तो तरीका हमारा कुछ गलत हो जाता है। कपड़ा हर कोई उतारता है, कपड़ा हर कोई पहनता है, लेकिन नबी के तरीका नहीं पता, इसलिए मुसीबतें आती है। आप सत्संग का तरीका है, जब कपड़ा पहनो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कपड़ा पहनने की दुआ पढ़ो, सीधे आस्तीन में पहले, उल्टे आस्तीन में बाद में। हदीस में आता है जो आदमी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कपड़ा पहनेगा, शैतान इसके कपड़े और बदन के दरमियान दाखिल हो जाएगा, फिर इसके जिस्म से शैतान खेलेगा। हम सबको एक आम शिकायत आती है, बहुत वसवसे आते, बहुत गंदे गंदे ख्याल आते, दीन तब तबीयत नहीं चलती, नमाज पढ़ने को जी नहीं होता, कुरान पढ़ने को जी नहीं होता, क्यों? हमने बगैर बिस्मिल्लाह के कपड़ा पहन लिया, अब साथ में शैतान को लेके फिर रहे, और वो शैतान दिन में बैठ करके वसवसे पैदा कर रहा है, और शैतान कब चाहेगा कि दिन की तरफ आवे? तो हम शैतान को साथ में लेकर के चलेंगे तो कयामत तक दिन दरबार नहीं कर सकते, इसीलिए शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है। आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ करके कपड़ा पहने, अब क्या होगा, ये बिस्मिल्लाह पढ़ना शैतान से आड़ बन जाएगा, शैतान हमारे पास आ नहीं पाएगा, हम शैतान के धोखों से, मकर से, उसके वसावी से महफूज रहेंगे, तब ये दीन की तरफ चलेगी, नमाज पढ़ने को जी होगा, गश में आने को जी होगा, तालीम में बैठने को जी होगा, कुरान की तिलावत करेंगे। तो ये ऐसे छोटे छोटे सुन्नते हैं, दिन भर में कमोबेश 500 सुन्नते हैं। इन 500 सुन्नतों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते की मेहनत है, गश्त है, तालीम है, मुलाकातें हैं, है ना, इन तमाम मजलिस में बैठेंगे, अपने आपको बैठाने के पाबंद करेंगे, इंशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी बारीक एक एक सुन्नत, जैसे अभी तक एक मजलिस लगी जुमा का बयान, घर में दाखिल होने की सुन्नत मालूम पड़ी, हर आदमी कर सकता है, चप्पल पहनने उतारने की हर आदमी कर सकता है, कपड़ा पहनने की सुन्नत हर आदमी कर सकता है, अभी चीजें जिंदगी में आने, ऐसे ही इन चीजों को घरों में जाकर के बताएं कि घर वाले भी दीन के मोहताज हैं और हम लोग जिम्मेदार हैं घर वालों, तो घर में जाकर के बताएं अपनी औरतों को, खाना खाने से पहले आइस क्यों हाथ धो, उसकी ये फजीलत है। तो दीन के फायदे जब जिंदगी अपने हमारे सामने आएंगे तो धीरे धीरे जिंदगी दीन के मुताबिक बनते चली जाए, उसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह कि जहां दीन की मस्जिद लगेगी सब साथ देंगे, और 5 वक्त की नमाजों को एहतमाम करेंगे। देखो ना जहां आखिरी बात ये सुन लो कि जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, ईमान वाले उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुमको किस चीज ने जहन्नम में डाला, तुम जहन्नम में क्यों पड़े, तुम तो ईमान वाले थे, ईमान वाले हो करके जहन्नम में, फरिश्ते पूछेंगे उनसे, तो जो ईमान वाले जहन्नम में होंगे क्या जवाब देंगे, एक बुनियादी जवाब उनका लम नकुम मिनल मुसल्लीन, एक जवाब दे कुरान कह रहे जवाब नकल कर रहे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में गए। कुरान जवाब नकल कर रहे जहन्नमियों का, जो नमाज नहीं पढ़ेगा कुरान का ऐलान है वो जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम में जाकर के इकरार करेंगे हम जहन्नम में इसलिए आए कि नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए 5 वक्तों की नमाजों का एहतमाम और सुन्नतों का एहतमाम सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो किसी सीजन में जमात भी आई हमारे गाँव से, 3 दिन यहाँ जमात रहेगी, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जमात को भी कुछ साथ दे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।